हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, जब भी आपको नाश्ते में या चाय के साथ कुछ हल्का खाने का मन हो और ज़्यादा मेहनत करने का मन ना हो, तब आप इस सिंपल स्पाइसी भेज टोस्ट की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी ट्राई करते हैं। स्पाइसी भेज टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस, एक कटोरी बेसन, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ मिर्चा, कटा हुआ गाजर, कटे हुए बीन्स और कटा हुआ हरा धनिया लिया है। स्पाइसी भेज टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप बेसन लिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्चा, टमाटर, गाजर, फ्रेंच बीन्स और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता लिया है। इसके साथ ही हम इसमें स्वादनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें पानी डालकर इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। तो अब हम इस बैटर को ढक देंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेसन जो है वो थोड़ा फूल जाए और सब्जियां जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं तो हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं टोस्ट बनाने के प्रोसेस में। टोस्ट बनाने के लिए आप ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब फ्राइंग पैन के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद ब्रेड के स्लाइस को इसमें डीप करके पैन के ऊपर रख देना है। तो ब्रेड को ऐसे डुबाकर छोड़ना नहीं है, बस एक बार ऐसे दोनों साइड से लगाकर ऐसे पैन के ऊपर रख दें। तेल हमने पहले ही पैन पर डाला है तो अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे 2 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे, उसके बाद इसे पलट देंगे। यहाँ पे बेसन जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए, ऐसे ब्राउन होने तक हमें इसे पकाना है। बेसन को पकने में समय लगता है, इसलिए हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। तो ये हमारा टोस्ट जो है वो दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है टोमेटो केचप और चिल्ली सॉस। इसके साथ ये बेसन वाले स्पाइसी टोस्ट को सर्व किया है। तो जब भी आपको नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का बनाना हो और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप इस ब्रेड टोस्ट को बना सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा। बस मिर्ची वहाँ पर कम इस्तेमाल करें। तो ये हमारा सुपर टेस्टी स्पाइसी भेज टोस्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं यह कितना टेस्टी और टेम्प्टिंग लग रहा है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। सो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।